नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं रितिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, राजस्थान में आढ़तियों की हड़ताल के बीच सीपीएम ने भी किया प्रदर्शन, केंद्र से कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। एमपी में सोयाबीन किसानों को लगा बड़ा धक्का, फली और दाने न आने से उजाड़नी पड़ रही है फसल, सरकार से मुआवजे की मांग पर हाथ लग रही है सिर्फ निराशा। वहीं नॉन डेयरी मिल्क को दूध के नाम से बेचने पर रोक लगाने की तैयारी, एफएसआई ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर मांगा सुझाव। वहीं लोकसभा सांसद मेनका गांधी ने किया विरोध। कोरोना संकट के बीच केरल में मनाया जा रहा है ओणम पर्व, स्थानीय फूल पत्तियों से सजाई जा रही है रंगोली। वहीं आयातित या बाहर से फूल न खरीदने की एडवाइजरी। तो केंद्र के अध्यादेशों को वापस लेने की मांग के साथ राजस्थान में आढ़तियों की हड़ताल दो दिनों से लगातार जारी है। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ आढ़तियों ने 25 अगस्त से 28 अगस्त तक सारी कृषि उपज मंडियों में खरीद फरोख्त बंद रखने का फैसला किया है। आढ़तियों ने विवादित अध्यादेश वापस न लिए जाने तक मंडी सेस और कृषि कल्याण शुल्क न चुकाने का भी ऐलान किया है। आढ़तियों को डर है कि मंडी व्यवस्था में बदलाव से सारा कारोबार मंडी के बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये टैक्स छूट वाली निजी मंडियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इससे निपटने के लिए इस कानून को वापस लें या फिर एमपीएमसी मंडियों में लगने वाले टैक्स को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ सीपीएम ने देशव्यापी आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीपीएम ने कर्ज नहीं कैश दो और देश नहीं बिकने देंगे के नारे के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसान तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस लेने, साथ ही फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने और गरीब परिवारों को खाद्यान्न और 7,500 रुपए महीने की आर्थिक मदद देने और साथ ही मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के बहाने से इस देश के जितने भी सार्वजनिक उद्योग उनको बेचने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ है। ये उसके खिलाफ है कि प्रत्येक व्यक्ति को 7,500 रुपया सरकार दे जिससे ये बाजार खड़ा हो सके। ये उसके लिए है कि हिंदुस्तान के सब गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और सरकार प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दे। ये इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो है उसका सारा का सारा पैसा कोरोना महामारी पर खर्च किया जाए। बढ़ते हैं आगे। मौसम का साथ मिला तो किसानों ने खरीफ सीजन में खेती बढ़ा दी है, लेकिन उन्हें अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। यूपी एमपी से लेकर ओडिशा तक किसानों को जरूरत भर का यूरिया नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में सरकार के इस दावे को कितना सही माना जाए कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है, देखिए रिपोर्ट। मॉनसून अच्छा, खेती भी अच्छी, बीते साल के मुकाबले फसलों का रकबा भी 9% तक बढ़ गया, लेकिन अब यूरिया की किल्लत इन सब पर पानी फेरती दिखाई दे रही है। यूपी हो या मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा, किसानों को जरूरत भर की यूरिया कहीं नहीं मिल पा रही है और अब खतरा फसल कमजोर पड़ने का मंडरा रहा है। हम रगौली से आए हैं, खाद लेने आए हैं, 7 दिन से हम परेशान हैं, लौटते हैं आते हैं, लौटते हैं आते हैं, खाद हमको मिल नहीं रही। खाद के लिए आया जाट फौरन से है रहे हैं, मिल नहीं रही है, बहुत परेशान है। तो आप रोज आते हैं लौट जाते हैं। अब सवाल उठता है कि एक साथ सभी राज्यों में यूरिया की किल्लत आखिर क्यों हुई? क्या यूरिया की मांग के मुकाबले सप्लाई कम है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जून में सरकार ने इस साल खरीफ सीजन में 170 लाख टन यूरिया की मांग होने का अनुमान लगाया था। यूरिया के 133 लाख टन घरेलू उत्पादन को देखते हुए केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा था कि इस अंतर को पूरा करने के लिए यूरिया का आयात किया जाएगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की वेबसाइट की माने तो जून और जुलाई में यूरिया का आयात शून्य रहा है। इसका सीधा मतलब है कि मांग के मुकाबले 30 लाख टन यूरिया कम है। जो
गर्मी इस समय यूरिया का भयंकर संकट है, और हमारा आकलन है कि जिस औसत पैमाने पर देश में यूरिया का उपभोग होता है उसका आधे से भी कम छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, और आदिवासी क्षेत्रों में तो स्थिति यह है कि एक एकड़ पर 10 किलो यूरिया का भी उपभोग नहीं होता। इसके बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में यूरिया की भयंकर किल्लत है। यदि आने वाले एक हफ्ते के अंदर किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ तो इस सीजन की पूरी मेहनत किसानों की बर्बाद हो जाने वाली है। उर्वरकों की उपलब्धता बताने वाले मासिक बुलेटिन की माने तो मई में यूपी में 26,000 टन मांग के मुकाबले 27,206 टन, तेलंगाना में 1,25,000 टन मांग के मुकाबले 1,18,000 टन यूरिया उपलब्ध थी। वहीं मध्य प्रदेश में 1,75,000 टन मांग के मुकाबले 2,42,377 टन यूरिया और ओडिशा में 30,000 टन मांग के मुकाबले 58,224 टन यूरिया उपलब्ध थी। लेकिन सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त का मासिक बुलेटिन ही जारी नहीं किया है, इससे इन महीनों में यूरिया की उपलब्धता की सही तस्वीर साफ नहीं हो पाती है। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि अगर मई में यूरिया की सरप्लस आपूर्ति थी और सब कुछ ठीक रहा है तो अगस्त में यूरिया की इतनी किल्लत आखिर कैसे आ गई। अगर ये स्थानीय गड़बड़ियों की वजह से हो रहा है तो एक से ज्यादा राज्यों में ये समस्या आखिर एक साथ क्यों सामने आ रही है। हालांकि बाजार के सूत्रों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल खाद की सप्लाई 24% बढ़ी है, इसमें यूरिया की सप्लाई 15 लाख टन ज्यादा रही, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोग यूरिया की मांग में आए अचानक उछाल को इस अफरा तफरी की वजह बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सर, जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि यूरिया पूरी तरह से उपलब्ध है, उसी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में एक साथ किल्लत सामने आई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जमीनी हकीकत क्या है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिल पा रहा है यूरिया, क्यों इतनी किल्लत आ रही है और इस समय स्थिति कैसी बनी हुई है यूरिया को लेकर? देखो, हमने एक दिन पहले भी बताया था, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है वहां पे कि फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज है उसने भारत सरकार से सब्सिडी लेने के उसमें, और ये खेल आज से नहीं है, जब से सब्सिडी का खेल शुरू हुआ है ये प्रॉब्लम जब से ही है। जितनी सप्लाई है उतनी वहां पे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा दिखा के जी वे सब्सिडी लेते हैं, और इसीलिए बड़े बड़े लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में आए हैं। अगर हम अपने जिलों के उत्तर प्रदेश की इनकी बात करें तो बहुत लोग जो व्यापार थे उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगाएंगे, मगर भाई इनका क्या मतलब है, इनके एक बीघा जमीन नहीं है, इंडस्ट्री लगाएंगे ये सब्सिडी बहुत आती है, और एक आदमी के नाम पे फिर जो फर्जीवाड़ा होता है, एक आदमी के नाम पे 1,000 कट्टे यूरिया दिया गया है, वो फर्जी तरीके से वेरिफिकेशन करके कट्टे चढ़ाए जाते हैं, और ये नीचे से लगाकर ऊपर तक की एक पूरी चैन है। इसमें ये जो 24% और 25% जो आंकड़ा बता दें कि अब की बार ज्यादा आया है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कुछ अधिकारी आए थे, उन्हें कहा कि अब 40% किसानों ने यूरिया ज्यादा का इस्तेमाल करा, मगर भी 40% तो बहुत होता है, इसको तो इतना तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये पूरी दिक्कतें आनी शुरू हुई, उन्होंने कहा जी आप सिफारिश करो, चिट्ठी लिखो कि यूरिया इन जिलों में और भेजा जाए, और 40% आ गया, तो मतलब बहुत बड़ा ये घपला है कि 40% ज्यादा आ गया फिर भी कमी है, और अधिकारी जो एग्रीकल्चर अधिकारी है वे हमारे पास में आ रहे हैं कि आप चिट्ठी लिखो उत्तर प्रदेश सरकार को कि यूरिया की किल्लत है, यूरिया हो रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, तो बड़े स्तर पर यहाँ घपलेबाजी हो रही है। राकेश जी, जिस तरह से हम आंकड़ों की बात करें तो मई के महीने में जो मासिक बुलेटिन सामने आया था उसमें साफ पता चला था कि सरप्लस आपूर्ति थी यूरिया की, वहीं तीन महीने तक तो ये मासिक बुलेटिन सामने ही नहीं आया, तो अब एकदम से अचानक से इतनी ज्यादा किल्लत हो गई कि किसानों को मिल नहीं रहा यूरिया, और सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि एक साथ कई राज्यों में ये किल्लत सामने आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पूरे देश में होगी ना, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा था वो फर्जीवाड़ा खुल गया, और इन्होंने अब की बार जाते घपला करा है, अगर ये थोड़ा बहुत खाते रहते तो पता नहीं चलता। तो मतलब ये जो स्थानीय गड़बड़ियां हैं ये सभी राज्यों में हो रही हैं एक साथ से? ये सभी राज्यों में, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्रीज
इनका और जो मंत्रालय है इनका है कम जाता है, अगर इनका पूरा डाटा निकाला जाए कि फैक्ट्री से जो रॉ मटेरियल है वो कितना आया, कौन से ट्रक में यूरिया कहाँ गया, उसकी बिलिंग कहाँ है, वो सारी चीज अगर देखेगा तो पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल का पता कर लो कि कहाँ से रॉ मटेरियल आया, कहाँ गया, कितनी सब्सिडी गई, तो इंडस्ट्री से ही पता चलेगा इसका। वहां से ही फर्जीवाड़ा पूरा एक बहुत बड़ी चेन में किसानों के पास तक नहीं गया और पूर्ण रूप से इसकी कमी हुई है। तो अब भारतीय किसान यूनियन इस मुद्दे को किस तरह से आके लेके जाएगा राकेश जी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, हम देख जा रहे हैं, पूरी जांच की बात हमने करी है, इसका पूरा जांच हो जाए, जो स्कैंडल्स है इसमें सामने आए, और जब तक डायरेक्ट सब्सिडी किसान को नहीं मिलेगी ये फर्जीवाड़ा इसी तरह से होता रहेगा। बहुत आदमी और भारत सरकार कह रही है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाओ, बहुत किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद भी किल्लत है, उसके नाम पर भी सब्सिडी आती है। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है देश में फर्टिलाइजर सब्सिडी उसके नाम की भी आ रही है, जब तक ये किसानों के नाम पर सीधी सब्सिडी नहीं जाएगी ये फर्जीवाड़ा पूर्ण रूप से चलता रहेगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के फसल बीमा के लिए टेंडर पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है और इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि किसके फायदे के लिए बार बार बढ़ाई गई फसल बीमा टेंडर प्रक्रिया, मामा को हर योजना में अपना हिस्सा चाहिए। अब कमल पटेल में हिस्सेदारी की होड़ लगी है और किसानों को प्रकृति और बीजेपी सरकार दोनों तरफ से मार पड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के साथ हम समवेत की दो खबरों को भी शेयर किया है और इसमें एक खबर घूस ना देने पर पीएम आवास योजना का लाभ ना मिलने से जुड़ी है, जबकि दूसरी खबर फसल बीमा कंपनियों को तय करने वाले टेंडर को चौथी बार बढ़ाने से जुड़ी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार टेंडर प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों कर रही है और जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और उन्हें फसल बीमा प्रीमियम भी भरा है, ऐसे में बाद में जो बीमा कंपनी तय होगी वो पहले खराब हो चुकी फसलों का क्लेम कैसे देगी। और वहीं मध्य प्रदेश के देवास में सोयाबीन की खेती करने वाले किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सोयाबीन की फसल में बीमारी लगने से किसानों को खेत खाली कराने के पैसे भी अपनी जेब से ही देने पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। काफी परेशान है किसान लोग, पूरी तबाह हो गई है, पूरी फसल नष्ट हो गई है, ये पूरा बेल्ट मतलब इस फसल से मतलब इस बीमारी से नष्ट हुआ है फसल। अब इसको कटाई कैसे, कटाने के 2000 रुपए बीघा मांगते मजदूर, तो हम तो खड़े बखरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, जानवर भी नहीं खाते हैं, तो खराब इतनी स्थिति हो गई इसकी। जिस फसल से सीजन भर की कमाई होनी थी अब वही फसल जानवरों के सामने चरने के लिए छोड़नी पड़ रही है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर एक प्रदेश बनाने वाले इन किसानों का इन दिनों यही हाल है। पहले बारिश में देरी से किसानों की लागत बढ़ी और अब रही सही कसर इल्लियों और जड़ों में लगने वाले रोग ने पूरी कर दी है। इसमें फली आई थी कि नहीं आई थी? खत्म हो गए, फली में दाने भी नहीं है? हमारे इधर तो सब बांध रह गए हैं, भोरासा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है इसमें फली अर ही नहीं आए हैं, कुछ टाइम पानी नहीं गिरने की वजह सारे नष्ट हो गई, इसको पकड़ना महंगा पड़ रहा है। अब इसको कटाई कैसे, कटाने के 2000 रुपए बीघा मांगते मजदूर, तो हम तो खड़े बखरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। सोयाबीन की फसल 90 दिनों में तैयार हो जाती है लेकिन 60 से 75 दिन बीत जाने के बाद भी इसमें फलियां नहीं आई हैं। और अगर कुछ पौधों में फलियां आई हैं तो उसमें दाने नहीं पड़े हैं। आलम ये है कि हरदा, सीहोर और देवास के किसानों के सामने खेत खाली कराने के लिए मजदूरी का बोझ उठा पाना मुश्किल हो रहा है। इसमें सोयाबीन में जड़ों में जो कीड़ा लगा है वो पूरा गोड़ अंदर ही अंदर मतलब इसको खत्म कर सुखा रहा है, जिसमें जो फलियां आई है वो भी सूख गई है, कुछ जो मतलब बीज आ रहा था वो भी मतलब उसमें भराया नहीं है। सर्वे करने के लिए अभी किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं है। फसल पूरी बर्बाद हो गई है, मेरू खेड़ी, फांगटी, गोला, चिलकी, बढ़िया मांडू, सभी गांव की फसल काफ़ी पूरी तरह से खराब हो गई है। इसलिए शिवराज सिंह से निवेदन है, मामा जी से, मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाए, वरना हम धरने पर भी बैठ सकते हैं। फसलों से नुकसान उठाने वाले किसान लगातार शिवराज सरकार से मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। बीते हफ्ते देवास जिले में किसानों ने प्रदर्शन भी किया लेकिन अब तक सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे कराने तक की जहमत नहीं उठाई है।
किसानों की इस बर्बादी के बीच कृषि अधिकारी उन्हें फसल का बीमा कराने और कीटनाशक छिड़काव करके फसल को बचाने की सलाह दे रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि शासन द्वारा बीमा कराने की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों द्वारा बीमा नहीं कराया गया है वे अपने संबंधित बैंकों में जाकर बीमा करा सकते हैं। एवं किसानों को सलाह दी गई है कि जो जिन खेतों में सोयाबीन फसल अच्छी स्थिति में है वो वहाँ पर कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसानों की माने तो एक बीघा जमीन पर सोयाबीन की लागत 7 से 8 हजार रुपए आती है और इस बार बारिश की देरी की वजह से 2 बार बुआई करनी पड़ी और इसे खेती की लागत पहले से बढ़ गई, लेकिन अब पूरी लागत और मेहनत चौपट हो रही है। मध्य प्रदेश के देवास से रईस पठान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बढ़ते आगे, हरियाणा के जींद में मंगलवार को किसानों ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया। संडील गांव के रहने वाले ये किसान पेगा पैक्स घोटाले की सही से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस पर मामले की सही से जांच ना करने और आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बीते साल संडील गांव में कई किसानों को पेगा पैक्स ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया और इसमें कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई कर्ज ही नहीं लिया था और इसके बाद जांच हुई तो घोटाला सामने आया, लेकिन डिफॉल्टर घोषित किसानों को अब तक राहत नहीं मिल पाई है और इन्हें एनओसी नहीं जारी किया जा रहा है और इससे पैक्स से खाद बीज से लेकर बैंकों के कर्ज लेने तक में परेशानी आ रही है और इसी से नाराज किसान न्याय ना मिलने पर खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। अगर मारे को न्याय नहीं मिला और 3 जान चल रही है भाई साहब, एआर न्यारी चला रहे हैं सागर रजिस्ट्रार, वहां जीएम साहब न्यारी चला रहे हैं, एसआईटी टीम न्यारी चला रही है, लेकिन तीनों आज तक परिणाम तक नहीं पहुंची हैं। एक कदम भी नहीं चली है आज तक। हमारे को ये संतोषजनक जवाब नहीं दिया भाई तारा यू काम बन गया या उरा तक मैं पहुंचे हैं, तारा इतना मैं तो गड़बड़ पाएगी और इतना मैं रह रही। ये सरकार के प्रति नाराजगी हमारी और इससे बेशर्म सरकार और क्या होगी। किसान कपड़े तक उतार लिए उसने। देखिए 8 महीने से जो किसान परेशान है, इसका मुद्दा पहले भी आज से लगभग 8-9 महीने पहले भी उठा था और इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का काम करूंगा और इनको न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी में साफ होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चलिए किसान बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2607। श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी का एमपी में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे, सोया मिल्क हो या बादाम मिल्क या कोकोनट मिल्क, फसलों से मिलने वाले दूध के ये विकल्प अब दूध के नाम से बाजार बहुत दिनों तक नहीं बेचे जा सकेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इस पर रोक लगाने वाला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके तहत केवल मवेशियों से मिलने वाले दूध को ही बाजार में दूध के नाम से बेचा जा सकेगा। FSSAI ने इस मामले पर सभी साझेदारों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं और इस पर अंतिम फैसला 18 सितंबर के बाद किया जाएगा। हालांकि लोकसभा सांसद मेनका गांधी ने इस कदम का विरोध करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश में दूध के विकल्पों की मांग बढ़ रही है, इसीलिए इस पर रोक लगाना अनुचित है क्योंकि इससे प्लांट आधारित दूध के कारोबार पर असर पड़ेगा, लोग ऐसे दूध को शक की निगाह से देखने लगेंगे।
मेनका गांधी ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। और वहीं देश में अनाज उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ अनाज की बर्बादी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल सबसे ज्यादा गेहूं खरीद का दावा करने वाले मध्य प्रदेश में रखरखाव के अभाव में बड़े पैमाने पर गेहूं की बर्बादी हुई है। सरप्लस अनाज की ऐसी ही बर्बादी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि देश अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां अतिरिक्त अनाज का सही रखरखाव करने की बड़ी चुनौती है। आरबीआई ने इससे निपटने के लिए कृषि व्यापार नीति में बदलाव करने, साथ ही फसल विविधता लाने और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। वहीं साल 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और बागवानी उत्पादन भी 32 करोड़ टन पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इनके बावजूद देश में भूख से मौत के मामले इस उपलब्धि को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हालिया मामला यूपी में आगरा जिले में सामने आया है, जहां भूख से 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। और वहीं देश में कभी सूखा तो कभी भारी बारिश तो कभी ओलावृष्टि जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इसका खामियाजा सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ रहा है, और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहे असर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चिंता जताई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक देश में सूखे और भारी बारिश वाले दिनों की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2000 के बाद से औसत बारिश में 59 मिलीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है, और इसके अलावा देश में चक्रवातों की संख्या भी बढ़ी है। साल 2019 में देशों को 8 चक्रवातों का सामना करना पड़ा, जो 1976 के बाद आए तूफानों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं इतना ही नहीं, साल 1997 से 2019 के बीच देश के औसत तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 1901 से 2000 के बीच ये बढ़ोतरी महज 0.5 डिग्री सेल्सियस थी। वहीं मौसम की मार से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है और इससे किसानों की आमदनी में गिरावट आई है। आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भूजल बचाने के लिए फ्लड इरिगेशन की जगह ड्रिप इरिगेशन और विविधतापूर्ण फसल चक्र अपनाए जाने की जरूरत है। बढ़ते आगे, शहरों से निकलने वाले कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाने की चुनौती पूरे देश में लगातार बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड में ऋषिकेश नगर निगम ने अब गीले कचरे से जैविक खाद बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए जैविक कचरे को अलग करके इसमें केचुए डाले जाएंगे ताकि वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सके। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे कचरे का तो निपटान होगा ही और साथ ही नगर निगम को अतिरिक्त कमाई भी हो सकेगी। हालांकि ये शुरुआती प्रयोग है, जिसे सफल होने पर आगे और विस्तार दिया जाएगा। कैचुए हम खरीद रहे हैं, उसको कैचुए इसमें डालेंगे। इसी तर्ज पे हम स्मृति वन में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसमें वन विभाग हमें सहयोग कर रहा है और हमने वहाँ पे भी जो है एक टिन सेट वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, धनराशि हम भुगतान कर रहे हैं उसका। और उसके बाद वहाँ भी इस तरह 7 पिट बनेंगे और उस क्षेत्र का जो गीला कूड़ा है वो उसमें कंपोस्ट पिट के द्वारा जो हम वहाँ पे जैविक खाद बनाएंगे। और हर साल केरल में ओणम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों से लेकर घरों तक खूब चहल पहल रहती है। हर तरफ फूलों से महक बिखेरने वाले इस त्यौहार पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। बगीचों से लेकर बाजारों तक फूलों की महक और घरों के आंगन में बनी फूलों की रंगोलियां, ये तस्वीरें केरल में 10 दिनों तक चलने वाले ओणम त्यौहार की है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते सरकार ने इस बार आयातित फूलों को ना खरीदने की एडवाइजरी जारी की है। इसे देखते हुए लोग अब स्थानीय स्तर पर मौजूद फूल पत्तियों से ही घरों की सजावट कर रहे हैं। इज आवर नेशनल फेस्टिवल बट बिकॉज ऑफ कोरोना वी डोंट गेट इनफ फ्लावर्स फॉर मेकिंग पूकलम फ्रॉम द मार्केट, सो वी जस्ट पिक फ्लावर्स from our surroundings and make such a pookalam. ओनम मूल तौर पर किसानों का पर्व है। इसमें किसान फसलों की सुरक्षा और अच्छी उपज के लिए फूलों की देवी की पूजा करते हैं। इसमें हर दिन घरों के बाहर रंगोली बनाई जाती है। ओनम में सबसे बड़े आयोजन आखिरी दिन में होते हैं। इस बार ओनम त्योहार का सबसे पवित्र दिन यानी थिरु ओनम 31 अगस्त को पड़ रहा है।
इसे देखते हुए केरल सरकार ने दुकानों और सभी व्यापारिक फर्मों को 26 अगस्त से 2 सितंबर तक रात 9 बजे तक खोलने की छूट दी है। हालांकि कोरोना के चलते बाजारों में ओणम की रौनक फीकी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं 26 अगस्त को दुनिया भर में वुमेन्स इक्वालिटी डे यानी महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक दिलाना है। लेकिन भारत की बात करें तो महिलाओं को जमीन के मालिकाना हक से लेकर मजदूरी तक में भेदभाव झेलना पड़ रहा है। महिलाओं को जमीन पर मालिकाना हक मिलने की रफ्तार बेहद धीमी है। 2005 और 6 में महिला किसानों की संख्या 1.5 करोड़ थी, जो 10 साल बाद महज 2 करोड़ ही पहुंच पाई है। इससे महिलाओं को खेती के लिए बैंकों से कर्ज मिलने से लेकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। और इन सबके बीच कोरोना संकट और लॉकडाउन ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर करने का काम किया है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है, तो वहीं कामकाजी महिलाओं को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। इस हालात से निपटने और संविधान के तहत मिले बराबरी के अपने अधिकार को बचाने के लिए महिला अधिकार संगठनों ने 5 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज महिला दिवस है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस इलाके में मैं काम करती हूँ वहाँ तो पता ही नहीं है कि महिला दिवस क्या है। और महिला आज दिन तक महिला को कुछ भी सम्मान मिला नहीं है। और नरेगा में भी यही हो रहा है, आज सबसे ज़्यादा काम महिला कर रही है, वहाँ जाके काम भी महिला करती है और रेट पुरुष को भी उतनी मिलती है जितनी महिला को मिलती है, और वो दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं। और जहाँ सरकार बोलती है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता महिला को मिलनी चाहिए मेट बनने की, वहाँ सबसे ज़्यादा आज पुरुष मेट बन रहे। आज शिक्षा के क्षेत्र में या किसानी के क्षेत्र में या दूसरी नौकरियों के क्षेत्र में लड़कियां कौन लड़के से कम है, जो लड़कियों को पूर्ण अधिकार नहीं दिया। औरतों ने क्या क्या काम महानता किए, कैसे कैसे काम किए औरतों ने, इसके बाद में भी औरतों को अधिकार नहीं मिला। औरतों क्यों पिछड़ी हुई है, वो भी तो पुरुष के कंधे से कंधा लगा के और बात काम कर सकती है। देश में कौन सा ऐसा काम है जिसमें औरत आगे नहीं बढ़ सकती है, पर औरत को वो अधिकार ही नहीं देते हैं कि औरत आगे बढ़े। क्यों नहीं बढ़े, ये भेद क्यों है? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है MKSS से जुड़ी शिवांगी जी। शिवांगी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। जिंदाबाद जी। तो आज महिला समानता दिवस है शिवांगी जी, इस मामले में देश ने अब तक कितनी प्रगति की है आपको क्या लगता है, और क्या महिलाओं को वाकई बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी, मुझे लगता है कि देखिए, ये महिला समानता दिवस US से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने महिलाओं को जब वोट करने के लिए लिंग भेद नहीं कर सकते ये उन्होंने कानून पास किया था, तो उस अवसर पर महिला समानता दिवस की शुरुआत हुई थी। तो ये एक महिलाओं को पूरा अधिकार, एक पूरा नागरिक मानते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। भारत में ये बोलना कि प्रगति नहीं हुई है, ये तो बहुत ही ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है जब से हमारी आजादी हुई है तब से अगर देखें तो महिलाओं के वो जितना उम्र जीती हैं या कितने बच्चे, उनकी शादी की उम्र, उनके जो स्वास्थ्य की बातें हैं, उन सब में बेहतरी आई है। लेकिन अभी भी अगर महिलाओं को महिला समानता के मानते हुए एक राजनीतिक सोच में महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं जी, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सुझाव, उसमें सुधार की जरूरत है। तो अभी भी बहुत से सुधार की जरूरत है, बहुत से माइलस्टोन्स अभी छूने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही, आप चलते रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।